मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के डीआईजी निशिकांत मौर्य को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ के आरोपी डीआईजी फरार बताए जा रहे हैं और जमानत याचिका रद्द होने से डीआईजी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही पीड़ित लड़की भी सुसाइड नोट लिखकर लापता है। महाराष्ट्र पुलिस का डीआईजी निशिकांत मौर्य एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी है। छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने डीआईजी मौर्य की जमानत याचिका खारिज की है। यह केस अब और भी गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि नाबालिग पीड़िता घर से लापता बताई जा रही है और उसके घर पर एक सुसाइड नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र पुलिस के डीआईजी निशिकांत मौर्य 17 साल की नाबालिग पीड़िता के दोस्त हैं। डीआईजी पर आरोप है कि वह अपने दोस्त की बेटी पर गलत नजर रखता था। 5 जून 2019 के दिन नाबालिग लड़की का 17वां जन्मदिन था। उसी दिन डीआईजी मौर्य अपनी पत्नी के साथ केक लेकर घर पहुंचा। उसके बर्थडे पार्टी में आने को बहुत सामान्य तरीके से लिया गया, लेकिन केक काटने के दौरान डीआईजी ने जो हरकत की उसके बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। केक खिलाने के नाम पर डीआईजी मौर्य ने लड़की के सीने पर गिरा केक उठाकर खाने की कोशिश की। डीआईजी मौर्य का यह व्यवहार लड़की के परिवार को बड़ा अटपटा सा लगा। डीआईजी मौर्य की पत्नी जो खुद मोबाइल से वीडियो बना रही थी, उसने भी डीआईजी पर कटाक्ष किया। बर्थडे पार्टी के बाद जब परिवार में डीआईजी मौर्य के गलत हरकत की बात उठी तो नाबालिग पीड़िता ने बताया कि डीआईजी मौर्य पहले भी उसे गलत तरीके से छूता रहा है और जबरन किस भी कर चुका है। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पीड़िता और उसका परिवार 6 महीने तक संघर्ष करता रहा, पर नवी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। दिसंबर महीने में लड़की ट्यूशन की जगह से अचानक लापता हो गई। पुलिस को जांच के दौरान लड़की मिली। लड़की ने पुलिस को बताया कि डीआईजी मौर्य उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो एक इमारत में टॉयलेट में छुप गई। डीआईजी की इस हरकत के बाद पुलिस ने बर्थडे पार्टी में हुई छेड़छाड़ मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़िता ने पॉक्सो कानून के तहत डीआईजी मौर्य के खिलाफ नवी मुंबई के तालोजा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। डीआईजी निशिकांत मौर्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पनवेल कोर्ट ने खारिज कर दिया। मौर्य की याचिका का विरोध करते हुए तालोजा पुलिस ने तर्क दिया है कि पीड़िता लापता है और ऐसी परिस्थिति में आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा। इस पर अदालत ने जमानत याचिका रद्द कर दी है और साथ ही कोई भी अंतरिम संरक्षण देने के लिए इनकार किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मौर्य इन दिनों फरार चल रहे हैं और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि परिवार का आरोप है कि लड़की डीआईजी से परेशान होकर लापता है और मौत को गले लगाना चाहती है। लड़की के साथ साथ इस केस का एक गवाह लड़का भी लापता है। पीड़िता सोमवार रात से अपने नवी मुंबई स्थित घर से लापता है। परिजनों ने उसके लापता होने का मामला दर्ज कराया है। घर से लड़की का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने डीआईजी के दबाव में आत्महत्या करने की बात लिखी है। डेस्क रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।